अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्किन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं बी स्मार्ट का लैंग्वेज स्टडी। इसमें खास ध्यान दिया जाएगा जेरेंड, इन्फिनिटिव्स, फाइनाइट्स और वर्ड क्लास पर। लेट अस गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं जेरेंड से। व्हेन द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, इट इज नोन एज अ जेरेंड, अ वर्बल नाउन। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है जो हमें जुमले में ये बताता है कि क्या काम हो रहा है, क्या अमल हो रहा है। और नाउन क्या होता है? आइडेंटिटी, पहचान, जो हमें ये बताता है कि जुमले में काम कौन कर रहा है या किस पर काम हो रहा है। इस डेफिनेशन के मुताबिक वर्ब में जब आईएनजी लगाया जाता है तब वो नाउन की तरह काम करने लगता है। वर्ब और आईएनजी का जो कॉम्बिनेशन है वो जेरेंड के अलावा एक और चीज है और वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमें ये जानना जरूरी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या फर्क है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड के लैंग्वेज स्टडी सेक्शन में कवर किया है। शॉर्ट में देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है कंटिन्यूस टेंसेस में। ये देखिए, वी और आईएनजी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें देता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर हम इस वर्ड को लेते हैं फाइट। इसमें आईएनजी लगाने से ये बन जाता है फाइटिंग, यानी लड़ाई। अब इसका इस्तेमाल हम आगे देखते हैं। अब फाइटिंग वर्ड के हम दो इस्तेमाल देखेंगे, एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एज अ जेरेंड। ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, वो ना इंसाफी के खिलाफ लड़ रहा था। यहाँ पर फाइटिंग एक वर्ब है और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। यहाँ पर फाइटिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। दूसरा जुमला, द फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस इज स्टिल गोइंग ऑन। यहाँ पर फाइटिंग एक नाउन का काम कर रहा है और इसलिए ये एक जेरेंड है। चलिए कुछ जेरेंड के रूल्स देखते हैं। ये रूल्स आपकी किताब में नहीं है, आपके लेसन में नहीं है, लेकिन इन्हें बताना मैं जरूरी समझती हूँ ताकि आपको जेरेंड समझने में आसानी हो। जेरेंड कैन अपियर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस व्हेन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। हर एक जुमला इस फॉर्म में बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो करने वाला है, वर्ब जो एक्शन है जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं, डूअर इसलिए क्योंकि वो करने वाला है। पहला सेंटेंस देखिए, द फाइटिंग वेंट ऑन। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, क्या चल रहा है? लड़ाई चल रही है। यहाँ पर द फाइटिंग जेरेंड का काम कर रहा है। एक और बात नोट करने वाली है, आर्टिकल्स यानी ए, एन, द, ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। ये हमेशा नाउन के आगे ही आते हैं, नाउन के पहले ही लिखे जाते हैं। तो अगर आपने देखा कि एक आईएनजी वर्ड है और उसके पहले एक आर्टिकल है तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ब नहीं, वो एक नाउन है, वो एक जेरेंड है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, गार्डनिंग इज एन आर्ट। बागबानी एक फन है। यहाँ पर बागबानी या गार्डनिंग एक नाउन है। कुकिंग इज अ साइंस, खाना पकाना एक साइंस है। यहाँ पर कुकिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जेरेंड का रूल नंबर टू, जेरेंड्स कैन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग द वर्ब। जुमले में ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर, जिस पे काम हो रहा है। पहले हमने क्या देखा था, जेरेंड को सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करते हैं। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। आई एंजॉय रीडिंग पोएम्स। यहाँ पर एंजॉय जो वर्ब है वो हमारा असली मेन वर्ब है। रीडिंग पोएम्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप क्या एंजॉय कर रहे हैं? हम पोयम को पढ़ना एंजॉय कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये किसके बाद आता है? एंजॉय के बाद, आफ्टर द वर्ब। दूसरा सेंटेंस, आई लाइक रीडिंग मोर देन राइटिंग। मुझे लिखने से ज्यादा पढ़ना पसंद है। यहाँ पर लाइक ये हमारा मेन वर्ब है और रीडिंग एंड राइटिंग ये हमारे जेरेंड्स हैं। रूल नंबर थ्री, जेरेंड्स कैन सर्व एज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर अ प्रेपोजिशन। हमने देखा कि जेरेंड्स वर्ब के बाद
ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद जेरंड्स कैसे यूज होते हैं। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? वो अल्फाज जो हमें जुमले में वक्त, जगह या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच के रिश्ते के तरफ हमें इशारा करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स लिस्ट किए हैं जो कॉमन प्रेपोजिशंस हैं, इन, आउट, ऑन, ऑफ, फ्रॉम वगैरह। सेंटेंस को देखेंगे, शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ने में दिलचस्पी है। यहाँ पर देखेंगे इन जो है ये है हमारा प्रेपोजिशन और लर्निंग ये है हमारा जेरंड जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। सेकेंड सेंटेंस है, ही इज अपसेट अबाउट लूजिंग मार्क्स, यहाँ पर लूजिंग ये हमारा जेरंड है और अबाउट जो है ये है प्रेपोजिशन। Rewrite the sentences using other appropriate gerunds in place of the given here. जो gerunds यहाँ पर हमें दिए गए हैं उनकी जगह पर हमें दूसरे gerunds का इस्तेमाल करना है। Gardening is an art. इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं? Speaking is an art. Cooking is a science. हम लिख सकते हैं Exercising is a science. I enjoy reading poems. I enjoy analyzing poems. I like reading more than writing. I like jogging more than walking. अगर आपको कोई डाउट्स है बच्चों, कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट यानी सीमित, महदूद, एक लिमिट के अंदर। फाइनाइट वर्ब्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टेंसेस। इनफाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टेंसेस। आगे डिटेल में देखते हैं। अब हम एक मिसाल की मदद से इनका फर्क समझेंगे। हम यूज करेंगे वर्ब ईट। इसके अलग अलग फॉर्म्स हमने यहाँ पर लिस्ट किए हैं जो टेंसेस के मुताबिक और सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं। पहला सेंटेंस, आई ईट अ मैंगो, मैं एक मैंगो खाती हूँ। आई लाइक टू ईट मैंगो, मुझे मैंगो खाना पसंद है। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए यहाँ ईट ये इसके बेस फॉर्म में है या V1 फॉर्म में है और यहाँ पर भी ईट इसके बेस फॉर्म में है या V1 फॉर्म में है, यानी ईट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब अगले सेंटेंस में जाते हैं, आई ईट अ मैंगो, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। यहाँ पर हमारा टेंस बदल गया है और हमारा वर्ब भी बदल गया है। ईट से अब ये एट हो चुका है, ये V2 फॉर्म में है। लेकिन इन्फिनिटिव में आई लाइक टू ईट मैंगो, मुझे मैंगो खाना पसंद था, यहाँ पर ईट अभी भी बेस फॉर्म में ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, हालांकि टेंस में बदलाव आया है। थर्ड सेंटेंस, शी ईट्स अ मैंगो, इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो बदल गया है। आई से हमारा सब्जेक्ट अब शी हो गया है और देखिए हमारा वर्ब वो भी बदल गया है, अब वो ईट्स हो गया है, यानी V5 फॉर्म। ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, जब शी, ही, इट या किसी थर्ड पर्सन को हम यूज करते हैं, यानी हम किसी तीसरी शख्सियत की बात करते हैं सेंटेंस में, तब हमारे वर्ब का जो फॉर्म है वो बदल जाता है। लेकिन इन्फिनिटिव में अभी भी हम टू ईट ही देखते हैं, शी लाइक्स टू ईट अ मैंगो, यानी ईट हमारा हर एग्जाम्पल में इन्फिनिटिव के अंदर सेम ही रहता है। अब इन्फिनिटिव्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं। Sometimes the form of a verb in a sentence names the action but does not change according to tense, number or person. Such a form is known as a non-finite form or an infinitive. An infinitive is used with or without to. Misal ki taur par, how did people first begin to drink tea? Yahan par to drink ye infinitive hai jiske aage to laga hai. Drink ke aage to laga hai. Can you name the beverage? यहाँ पर name ये infinitive है,
लेकिन उसके पहले टू नहीं है, लेकिन ज्यादातर इन्फिनेटिव के पहले टू आता है। अंडरलाइन द इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस, इट वॉज फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। इन्फिनेटिव कौन सा है? टू रीड। गौर करिए, यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है फनी, और टू रीड ये हमारा इन्फिनेटिव है। कैन आई रीड द बुक? इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव कौन सा है? वो है रीड। इसके आगे टू नहीं लगा है, रीड के पहले टू नहीं लिखा है। इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ। मॉडल ऑक्सिलरीज, ये जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि विल, शाल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट एंड मस्ट, इनके बाद बेर इन्फिनेटिव्स होता है, यानी इन्फिनेटिव्स विदाउट टू। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी कैन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम रीड बगैर टू के लिख सकते हैं। थर्ड सेंटेंस, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ पर कौन से हैं इन्फिनेटिव? टू बी। बेर इन्फिनेटिव्स यानी जो वर्ब्स हैं, जो इन्फिनेटिव्स हैं जो टू के बगैर लिखे जाते हैं, उनके लिए एक और टिप देखते हैं। वर्ब्स लाइक लेट, मेक, सी, हियर, फील, नीड, डेयर, वॉच एंड नोटिस आर यूजुअली फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस बेर इन्फिनेटिव। मिसाल, शी मेड देम क्लीन द रूम। कौन सा वर्ब है यहाँ पर जो हमने ऊपर की लिस्ट से देखा है? मेड। ये मेक इस वर्ब का पास्ट टेंस है, और यहाँ पर इन्फिनेटिव कौन सा है? क्लीन। क्लीन ये वर्ब हमारे जो मेन वर्ब है मेड के बाद आ रहा है। सेकेंड, दे हर्ड देम लाफ। यहाँ पर हर्ड ये वर्ब हमारी इस लिस्ट से आ रहा है। हियर, हर्ड हियर का पास्ट टेंस है, और लाफ यहाँ पर ये हमारा इन्फिनेटिव है। फाइनाइट और इन्फिनेटिव्स, इनका जो डिस्क्रिप्शन है, इनकी पहचान हम पहले कर चुके हैं, अब हम जरा डिटेल में करेंगे आपकी किताब के मुताबिक। पहले हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिससे हमें डेफिनेशन को समझने में और मदद मिलेगी। एक्टिविटी है, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। पहला सेंटेंस, प्रीति इवन रोट अबाउट इट। वर्ब कौन सा है? रोट। और टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। टुडे संजय फाउंड अ न्यू बुक। वर्ब फाउंड, टेंस पास्ट टेंस। राहुल फाइंड्स मैथ्स इजी। वर्ब फाइंड्स, टेंस है प्रेजेंट टेंस। अब बी सेक्शन में जाते हैं। यहां पर हमें सिंगुलर प्लूरल ढूंढना है। प्रीति वॉज स्कॉर्नफुल। वर्ब है वॉज, ये क्या है? सिंगुलर। This is the old kind of school. Verb है is, और ये है singular. They are sportsmen. Verb है are, और ये है plural. अब हम section A पर फिर से ध्यान देते हैं। Section A में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे subject और tense की वजह से हमारा verb change हो जाता है। Preeti even wrote about it. जो वर्ब है वो होता है राइट, और रोट उसका पास्ट टेंस है। टुडे संजय फाउंड अ न्यू बुक, ये पास्ट टेंस में है। वर्ब जो है वो होता है फाइंड, लेकिन क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए वर्ब चेंज हो गया इनटू फाउंड। राहुल फाइंड्स मैथ्स इजी, यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन हमने फाइंड नहीं लिखा है, फाइंड्स लिखा है, क्योंकि राहुल एक थर्ड फॉर्म सिंगुलर है। जैसे ही, शी, इट, या फिर हम किसी नाम का जब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी तीसरी शख्सियत की बात करते हैं, तब भी हमारा वर्ड फॉर्म चेंज हो जाता है। हमारे बी सेक्शन में जो हमें मिसालें दी गई हैं, वो है टू बी वर्ब, इसके अलग अलग फॉर्म्स। इस टेबल में देखिए, इसके जो अलग फॉर्म्स हैं, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से और प्रेजेंट और पास्ट टेंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। Thus, we see that verb forms show tense, number, etc.
Here, the verb form changes according to the subject. A verb form which is decided by and changes according to the subject of the sentence is known as a finite verb. यानी जो verb subject के हिसाब से और tense के हिसाब से बदल जाए उसे हम finite verb कहते हैं. एक और मिसाल देखते हैं. You are very kind. If the subject you is changed to she, the sentence will be She is very kind. Verb are से is में change हो गया. Now change the verb form according to the change in the subject. I don't know. Change I to she. Subject I को she में change करना है. She doesn't know. हमारा जो verb था don't वो अब क्या बन गया है? Doesn't. My father knows. Change my father to we. We know. Knows से अब ये know हो चुका है. I am following in your footsteps. Change I to he. He is following in your footsteps. He is. I am. Am से is में हमारा verb change हो चुका है. Underline the gerund, present participles and infinitive. अब हमने काफी डिटेल में समझा है कि gerund, present participle और infinitive को हमारे sentences में कैसे ढूंढा जाए. चलिए हम answers देखते हैं. Setting goal may appear easy, but it is quite challenging. जवाब है, setting, present participle, challenging, gerund. Quantifying goals provide specific ways to track progress. Quantifying, present participle. To track, infinitive. It is important to create goals that are within a current skill set or area of expertise. To create, infinitive. We need to bring down life images down to earth and plan to execute our strategies. To bring, infinitive, to execute, infinitive. Finding the right footing, precisely mastering the skills and getting to the next place all depend on how we approach and tackle the problem. Finding, present participle, footing, gerund, mastering, present participle, getting, present participle. अगर आपको जानना है कि ये जवाब ऐसे क्यों है, कि gerund कैसे है, present participle क्यों है, तो मुझे आप miskinsabila@gmail.com पर लिख सकते हैं. मैं आपको डिटेल में आंसर दूंगी या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. Classify the following words in their respective columns. यहाँ पर जो हमें words दिए गए हैं उन्हें उनके वर्ड क्लास में हमें डालना है, जैसे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. यहाँ पर हमने इन सारे वर्ड्स को उनके वर्ड क्लास के हिसाब से उनके कॉलम में डाल दिया है. चेंजिंग वर्ड क्लास. हर अल्फाज का एक क्लास होता है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह. इन्हें हम कैसे चेंज कर सकते हैं, नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन कैसे कर सकते हैं? अक्सर ये होता है प्रीफिक्स और सफिक्स के इस्तेमाल से, ज्यादातर सफिक्स के ही इस्तेमाल से, लेकिन बहुत ऐसे कम एग्जाम्पल्स हैं जहां पर प्रीफिक्स लगाने से वर्ड का क्लास बदलता है. जैसे कि ये वर्ड देखिए, फ्रॉस्ट, इसका मतलब होता है जमी हुई बर्फ. अगर हम इसमें प्रीफिक्स डी लगाते हैं, डीफ्रॉस्ट, डीफ्रॉस्ट का मतलब होता है जमी हुई बर्फ को पिघलाना. फ्रॉस्ट ये नाउन था और डीफ्रॉस्ट ये वर्ब है. अब हम देखते हैं सफिक्स का एग्जाम्पल. वर्ड है सक्सेस, ये एक नाउन फॉर्म में है. सफिक्स फुल लगाने पर ये बन जाता है सक्सेसफुल, जो कि एक एडजेक्टिव है. लेकिन हम हमारे इस वीडियो में ऐसे वर्ड्स देखने वाले हैं जिनमें प्रीफिक्स और सफिक्स लगाए बगैर उनका वर्ड क्लास चेंज होता है. Sometimes the word class of a word changes without adding any prefix or suffix. पहले देखते हैं verb to noun. Sentence है, I can run faster than him. मैं उससे ज्यादा तेज भाग सकता हूँ. हमारा जो verb है वो है run. इसका word class है verb. अब हम इसे noun की तरह कैसे use कर सकते हैं? India has to score 10 more runs to win the match. यहाँ runs,
ये क्या है? ये एक नाउन है। यहाँ पर हम भागने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम रन्स यानी जो हमें रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं, जो कि एक नाउन है। आई डाउट इफ आई कैन राइट एज फास्ट एज यू कैन, मुझे शक है कि मैं तुम जैसा तेज लिख सकता हूँ या नहीं। यहाँ पर डाउट ये एक वर्ब है। आई हैव अ डाउट अबाउट दिस टॉपिक, यहाँ पर डाउट ये एक नाउन का रोल निभा रहा है कि मुझे शक है इस टॉपिक के बारे में। सिमिलरली लाफ वॉक कैच थ्रो टर्न ये वर्ब क्लासेस हैं जिनको नाउन में तब्दील किया जा सकता है। अगर आप मुझे इन वर्ड्स के वर्ब के फॉर्म में और नाउन के फॉर्म में सेंटेंसेस बनाकर भेजेंगे इस ईमेल एड्रेस पर, तो आपको सरप्राइज प्राइज मिल सकता है। नाउन टू वर्ब अब हम ये देखेंगे। पहला सेंटेंस, रिमूव द पोटैटो पील्स, आलू के छिलके को निकालिए। यहाँ पर पील्स यानी आलू का छिलका। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, पील द पोटैटो, यहाँ पर पील एक वर्ब का काम कर रहा है। हम कह रहे हैं कि आलू को छीलिए, यहाँ पर पील मतलब छीलिए, वर्ड क्लास है वर्ब। शी वर्क्स एज अ नर्स, यहाँ पर वर्ड है नर्स जो एक नाउन है, यानी नर्स यहाँ पर एक पेशा है। यू हैव टू नर्स अ पेशेंट टिल ही और शी रिकवर्स, यहाँ पर जब हम नर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक वर्ब की तरह है। यहाँ पर नर्स का मतलब है कि किसी की देखभाल करना, एक पेशेंट की देखभाल करना ताकि वो ठीक हो जाए। इस वीडियो में हमने कई तरह के वर्ब फॉर्म्स देखे हैं। इसके अलावा कुछ वर्ब फॉर्म्स हैं जो हम पहले से जानते हैं। यहाँ पर इस टेबल में सारे वर्ब फॉर्म्स लिस्ट किए गए हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।